हेलो एवरीवन, आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी है इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स को लेके परेशान है। तो यहाँ पर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरा आधार कार्ड, आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका सेंट्रल का लग रहा है। और इस तरीके का फॉर्मेट जो आपको ओबीसी एससी एसटी के लिए मिला है, ईडब्ल्यूएस के मिला है, तो आप लोगों को बस अपना जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टेट है तो आप स्टेट के साथ साथ आप सेंट्रल का बनवा लो, बहुत कंपलसरी है क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और अभी फॉर्म फिल करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ वही सेंट्रल वाला ही नंबर डालना है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ जो भी आपका कास्ट है उसके लिए आप सेंट्रल का बनवा लो, आपका यहीं पर वही लगेगा। बाकी आपके पास आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, अपना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हो, बाकी अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 10th 12th की मार्कशीट है तो भी चल जाएगा। बाकी आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी फोटो वोटो तो आप लोगों को वैसे भी ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए डाउट आ रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। आई होप अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने सीआरएसओ की पढ़ाई करने की क्योंकि आपके एग्जाम डेट भी बहुत जल्द दी गई है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत कम समय ही दिया गया है, तो यहाँ पर आपके 2-2.5 महीने के बाद आपके एग्जाम्स भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा तो 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा।